एवरीवन, मैं रोहित शर्मा आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं। आप लोग पूछते हो कि रोहित भाई यूट्यूब आपको पैसे क्यों देता है, तो क्या हमें भी मिल सकते हैं पैसे? क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो में बोलता हूं कि मैं यूट्यूब से भी पैसा कमाता हूं, यूट्यूब से मेरी इतनी अर्निंग होती है, अलग अलग टाइप की बातें मैं आपको बताता हूं। तो आप लोगों के, कुछ लोगों के, सभी के तो नहीं लेकिन कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि रोहित भाई आपको YouTube पैसा क्यों देता है, क्या YouTube हमें भी पैसा दे सकता है? तो और देता है तो कितना देता है, किस बेस पर पैसा देता है, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितने व्यूअर पे कितना देता है, कितने लाइक आएंगे तो कितना देता है, कितने लोग सब्सक्राइब करेंगे तो कितना देता है, कितने लोग कमेंट करेंगे तो कितना देता है, तो कैसे पैसे देता है और क्यों पैसे देता है, तो इसकी बात आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, YouTube मेरे को पैसा देता है, जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो बनाने का मेरे को पैसा मिलता है। तो आप सोच रहे होंगे तो वीडियो तो हम भी बना सकते हैं, हमें भी पैसा मिलेगा। हाँ, आपको भी मिल सकता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है, और कितना देता है उसकी भी बात करेंगे, कैसे देता है उसकी भी बात करेंगे। तो स्टार्टिंग से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले YouTube जो पैसा देता है वो देता है हमें वीडियो बनाने का। जैसे हम वीडियो बना के डालते हैं तो वीडियो में जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, आपने देखा होगा वीडियो स्टार्ट होने से पहले एडवर्टाइजमेंट आता है, तो उस एडवर्टाइजमेंट का पैसा वो उन कंपनियों से लेता है जिनका एडवर्टाइजमेंट वो हमारी वीडियोज में दिखा रहा है। तो YouTube क्या करेगा, उन कंपनियों को देखेगा जो एडवर्टाइजमेंट दिखवाना चाहती है। तो हमारी वीडियो पे एडवर्टाइजमेंट चला किसी कंपनी का, मान के चलो सर्फ एक्सेल का चला मेरी वीडियो पे, तो YouTube क्या करेगा, सर्फ एक्सेल से रुपए ले लेगा कि 100 रुपए लेंगे और आपका एड हम चलाएंगे। तो मेरी वीडियो पे चलाया, 100 रुपए YouTube ने ले लिए सर्फ एक्सेल से। तो YouTube क्या करेगा कि 100 रुपए में से 40 रुपए अपने काट लेगा कमीशन के, क्योंकि प्लेटफॉर्म उसका है, और 60 रुपए मुझे दे देगा कि रोहित भाई लो ये 60 रुपए आपके हो गए, आपकी वीडियो पे एडवर्टाइजमेंट चला। तो इस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट आता है और एडवर्टाइजमेंट का पैसा हमें मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रोहित भाई लाइक का कितना मिलता है, कमेंट का कितना मिलता है, शेयर का कितना मिलता है, सब्सक्राइब का कितना मिलता है और कमेंट का कितना मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनमें से किसी चीज का पैसा नहीं मिलता। यहाँ पे पैसा मिलता है तो एडवर्टाइजमेंट का, जितना ज्यादा आपकी वीडियो पे एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाएगा उतना ज्यादा आप पैसा यहाँ से कमा सकते हो, और कोई लिमिट नहीं है। पैसा कैसे आता है तो आपको बता दूंगा, पैसा हमारी बैंक अकाउंट में आता है। और जैसे कि आप अगर जॉब करते हो तो 1 तारीख को आपका महीना हो जाता है, 1 तारीख को आपको सैलरी मिल जाती है। हमारा क्या होता है, हमारा 21 तारीख को महीना होता है। YouTube से हम जितना कमाते हैं उसका 21 तारीख को हमें हमारे बैंक अकाउंट में पेमेंट कर दिया जाता है। अब बात आती है कि रोहित भाई हम स्टार्ट करें तो हम भी YouTube से पैसे कमा सकते हैं, क्या YouTube हमें भी पैसे देगा? तो आपको भी देगा, उसका क्या करना है, कैसे कमा सकते हो? तो मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना YouTube चैनल बनाना पड़ेगा, वहां पे आपको वीडियो डालने पड़ेंगे। YouTube की एक कंडीशन है कि अगर आप अपनी वीडियोज में एडवर्टाइजमेंट शो कराना चाहते हो तो एडवर्टाइजमेंट आए आपकी वीडियोज में, तो आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉचिंग टाइम कंपलसरी है। मतलब 1000 सब्सक्राइबर, 1000 लोगों को आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। जब इतना हो जाएगा तो आपके चैनल पे आपको एडवर्टाइजमेंट आने लगेगा। और ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है वो मेरे रियल रिव्यू नाम के चैनल पे पूरा दिया है कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, कैसे उससे पैसे आते हैं, प्रैक्टिकल चीजें उस चैनल पे दी है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर होता क्या है कि जैसे आपकी वीडियोज पे एडवर्टाइजमेंट चलने लगती है, कंपनीज के एड आने लगते हैं, वीडियो स्टार्ट होती है, जब आते हैं वीडियो के बगल में आते हैं, नीचे आते हैं, ऐसे एडवर्टाइजमेंट आता है। तो जब ऐसे एडवर्टाइजमेंट आपकी वीडियोज में आता है तो उस एडवर्टाइजमेंट का आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट में मिल जाता है, और गूगल के थ्रू। गूगल और यूट्यूब एक ही कंपनी है, एक गूगल की कंपनी है यूट्यूब भी, तो इसलिए यूट्यूब पैसे देता है। अब बात आती है यूट्यूब कितने व्यूअर का कितना देता है, 1000 व्यूअर आएंगे तो कितना देगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई फिक्स नहीं है। देखो, एडवर्टाइजमेंट रेट हमेशा चेंज होती रहती है, अभी कुछ है, थोड़े टाइम बाद कुछ और हो जाएंगे। देखो, अगर मेरी वीडियो पर सर्फ एक्सेल का एड आ रहा है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट रेट कुछ और होगी, अगर मेरी वीडियो पर BMW का एडवर्टाइजमेंट आए तो उसकी ज्यादा होगी, अगर मेरी वीडियो पर इंडिया की कंपनी का नेट एडवर्टाइजमेंट आए तो कम रेट होगी, अगर अमेरिका की कंपनी का आएगा तो ज्यादा रुपए मिलेंगे उसके। तो कभी ये फिक्स नहीं होता कि कितने व्यूअर का कितना मिलता है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि अप्रोक्स कुछ तो होगा। तो मैं अपनी बताऊं तो मेरे को 700 व्यूअर का $1 या 600 व्यूअर का $1 या 1000 व्यूअर का, मतलब 500 से लेके 1000 के बीच में मेरे व्यूअर आ जाते हैं तो $1 मेरे को मिल जाता है। टोटल वीडियो पे जैसे कि
डेली आपके टोटल वीडियोज पे 10,000 व्यूअर आ रहे हैं, तो $10 मतलब 720 रुपए डेली के आप कमा लोगे। तो इस तरह से YouTube हमें पैसा देता है। YouTube कभी अपनी जेब से नहीं दे रहा, एडवर्टाइजमेंट कंपनियों से ले रहा है, उस पैसे को हमें दे रहा है। तो हमेशा आप ये बात याद रखिए, YouTube कभी भी पैसा नहीं देता, एडवर्टाइजमेंट कंपनियां पैसा देती हैं, उस पैसे को हमारे अकाउंट में वो ट्रांसफर करता है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी जो कि आपको जाननी थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी वीडियो आगे भी पाने के लिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।